नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने शुक्रवार आधी रात को यूपी और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात डकैत गौरी यादव को ढेर कर दिया है। बीती रात को एसटीएफ और गौरी यादव गैंग के बीच चित्रकूट में एनकाउंटर हुआ, जिसमें गौरी यादव मारा गया। गौरी पर मध्य प्रदेश और यूपी की तरफ से करीब 5.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ ने मौके से एक AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। गिरोह के अन्य सदस्य जंगल की तरफ भाग निकले, लेकिन गौरी को मार गिराया गया। गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस अफसरों के साथ कई थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीमें जंगल में कॉविंग कर रही हैं। बता दें कि गौरी यादव यूपी और मध्य प्रदेश में बड़ा नाम बन चुका था। काफ़ी दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी। करीब 20 साल पहले डकैती की दुनिया में कदम रखने वाले गौरी यादव ने 2005 में अपना अलग गैंग बनाया था। 2008 में ददुआ और कुछ दिन बाद ठोकिया के मारे जाने के बाद 2009 में गौरी यादव भी गिरफ्तार हो गया था। बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया। गौरी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या, अपहरण, फरौती, सरकारी काम में बाधा डालने समेत करीब 50 मामले दर्ज थे। इनमें मई 2013 में दिल्ली से एक मामले की जांच करने पहुंचे दरोगा की हत्या का भी आरोप था। इतना ही नहीं, 2016 में गौरी ने गोपालगंज में 3 ग्रामीणों को खम्भे से बांधकर गोली मार दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।